वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पेपर हैकर। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही प्यारा सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर, और आपका सेमेस्टर भी कौन सा है, सेमेस्टर भी आपका वन है, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे चैनल को लाइक कर दें, और आपके जितने भी साथी हैं जो आपको लग रहा है बीएससी पार्ट वन की तैयारी कर रहे हैं सेमेस्टर वन की, तो उनको ये सेशन आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो और इस जो आज हम लेक्चर लेंगे, ठीक है, इसका अगर आपको पीडीएफ फॉर्म चाहिए तो इस वीडियो में इसी पीडीएफ फॉर्म का आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ पेज को डाउनलोड कर सकते हैं और उससे आप अपनी तैयारी बना कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता से आप क्या समझते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, कह रहा है इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो हमें पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता बताने की, कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग इसको प्रभावित करने वाले कारक। दूसरा कह रहा है इसका रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए और मेरे साथ साथ लिखते रहिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई भी जो सब्जेक्ट हो जिसकी मतलब वीडियो जो आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आंसर शुरू करते हैं इसका। कह रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसे हम ईए से मोस्टली प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब होती क्या है, जैसे कोई भी परमाणु है उसके कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हैं कोई मतलब नहीं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनों को जब दूसरे परमाणु से ग्रहण करता है या हम दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन उसको देते हैं तो उस पर क्या फर्क पड़ता है, कितनी ऊर्जा निकलती है, ठीक है, बस वही कहलाता है हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। कोई भी परमाणु है उसके नाभिक में इलेक्ट्रॉन है, बाहर से अगर हम उसको और इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितनी ऊर्जा निकलेगी, बस उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इसको कह सकते हैं, कह रहा है किसी परमाणु या आयन के द्वारा अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण कर सकता है, तो कह रहा है इसकी माप इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाने पर उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा से होती है। भाई इसकी माप हम किससे लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या जिसको हम इलेक्ट्रॉन देंगे उस समय कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसी ऊर्जा से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो कम है या ज़्यादा है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, यानी कि जब किसी पे इलेक्ट्रॉन आता है तो वो कैसा बनाता है, ऋणायन बनाता है, ठीक है, तब कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है, यानी कि कुछ ना कुछ ऊर्जा का वहाँ से उत्सर्जन होगा, यही ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता की माप है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। अगर ऊर्जा कम निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी, ऊर्जा ज़्यादा निकलेगी तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी क्या हो जाएगी, वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। कह रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या ग्राम परमाणु, इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल या ग्राम परमाणु, यह कह रहा है किलोजूल प्रति मोल में व्यक्त किया जाता है, इसको व्यक्त करने की राशियाँ हैं, ठीक है, इसमें व्यक्त कर सकते हैं आप वोल्ट प्रति मोल या ग्राम परमाणु, वोल्ट प्रति मोल या ग्राम परमाणु, किलोजूल प्रति मोल, और इनमें हम इसको व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, ये इसकी राशियां हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता, ई ए अक्षर से निरूपित किया जाता है इसको, ई ए आप लिख सकते हैं, इसका मान जितना अधिक होता है परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी कि ऊर्जा जितनी ज़्यादा निकलेगी इलेक्ट्रॉन को देते समय तो हम कह सकते हैं कि उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उतनी ही ज़्यादा होगी। कह रहा अर्थात यह यूँ कह सकते हैं कि उतनी दृढ़ता से अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को बांधता है, इलेक्ट्रॉनों को उतनी ही स्ट्रांगली ये बांधेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रथम का मान जितना अधिक होता है परमाणु उतनी ही सरलता से ऋणायन बनाता है और वह उतना प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ये जहाँ पर लिखा है प्रथम सेकेंड, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रॉन विभव की तरह आपकी प्रथम द्वितीय भी हो सकती है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको फर्स्ट कहेंगे, सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसको द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से हम जानेंगे। नेक्स्ट हम कह रहा है अतः किसी तत्व के उदासीन गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन डालकर एनायन बनाने पर उत्सर्जित ऊर्जा को प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये हमारा क्या है, कोई गैसीय परमाणु है, उदासीन है, ठीक है, उदासीन है, इस पर किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको क्या कर दिया, दे दिया,
तो इस पे ये क्या आ जाएगा, हमारा एनायन बन जाएगा, यानी कि क्या बन जाएगा, एनायन बन जाएगा। उसी समय कुछ ऊर्जा भी उत्सर्जित होगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से हम उसको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ठीक है, उदासीन परमाणु से क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन देने पर एनायन बन गया, कुछ ऊर्जा निकली, उसी को हमने क्या कह दिया, इलेक्ट्रॉन बंधुता कह दिया। जैसे मान लो क्लोरीन को हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्लोरीन पे कैसा आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ये हमारा कैसा हो जाएगा, एनायन। तो इस समय कुछ ना कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ठीक है, कुछ ऊर्जा निकलेगी कुछ मात्रा में, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। मान लो वह ऊर्जा कितनी निकलती है, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी होती है, 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जब एक इलेक्ट्रॉन हम क्लोरीन एटम को दान करते हैं या देते हैं। कह रहा है आयनन विभव के समान तत्वों की प्रथम और द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुताएं भी होती हैं। द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान सदैव ऋणात्मक होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के द्वारा ऋणावेशित परमाणु में दूसरा इलेक्ट्रॉन डालने में ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। मान लो अगर हमने किसी परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको एक और इलेक्ट्रॉन देना है, एक इलेक्ट्रॉन इसको और ऐड करना है, तो भाई इसको हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पहले से है ये इसमें क्या करेगा, रिपल्सन लगाएगा, ठीक है, प्रतिकर्षण लगाएगा, तो हमें इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो हमें उसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमेशा कैसी होगी, ये ऋणात्मक होगी। मान लो ऑक्सीजन का हमने आइटम ले लिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो क्या बन गया, ऑक्सीजन का एनायन बन गया, कुछ ऊर्जा निकली, मान लो कितनी, 1.74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो जो हमारे पास एनायन था ऑक्सीजन का, इसको हमें एक इलेक्ट्रॉन और देना, तो इसके पास पहले से एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम और देंगे तो वो कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, ठीक है। तो रिपेल करने की वजह से हमें कुछ ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, वही ऊर्जा हमारी कैसी होगी, प्लस की होगी, यानी कि धनात्मक होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर यहाँ लिखी जाएगी ऊर्जा देते समय, यहाँ लिखी जाएगी, ठीक है, उत्पाद की तरफ, तो ये ऊर्जा माइनस में लिखेंगे, जो ऊर्जा हम दे रहे हैं, इधर लिखोगे तो वही ऊर्जा आपको प्लस में लिखनी होगी, ठीक है, 8.75। अगर आगे लिखी है प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के साथ में तो प्लस की लिखी होगी ऊर्जा जो हम देते हैं, पीछे लिखी जाती तो माइनस की लिखी जाती है, ठीक है। तो इतनी ऊर्जा यहाँ से हम इसको देंगे, कितनी, 8.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन और डालने के लिए, तब जाके कहीं ऑक्सीजन पे दो इलेक्ट्रॉन माइनस के हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता पर प्रभाव डालने वाले कारक, तो अब तक हमने जो निष्कर्ष निकाला था कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता वैसे एक ऊर्जा थी, जो इलेक्ट्रॉन हम उसके कोष में डाल रहे थे, उसी इलेक्ट्रॉनों को कोई भी नाभिक कितने मतलब स्ट्रांग से, कितने शक्तिशाली बल से उसको खींचे हुए है, बांधे हुए, या उस समय जो ऊर्जा कितनी उत्सर्जित हो रही थी, भाई हमारी क्या कह रही थी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कह रही थी, ठीक है। ऊर्जा की माफी हमें क्या बताती है, किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम है या ज्यादा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन बंधुता पर प्रभाव डालने वाले, अब कैसे, ऐसे ऐसे कौन से कारक है जो इलेक्ट्रॉन बंधुता को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, प्रभाव डालते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होगी या ज्यादा होगी, क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, पहले की हम बात करेंगे परमाणु त्रिज्या, किसी परमाणु की त्रिज्या किस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करती है। तो कह रहा है सामान्यतः परमाणु त्रिज्या बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घटता है। भाई मान लो पहले परमाणु त्रिज्या इतनी थी, ठीक है, 2 मीटर मान लो, फिर बाद में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता हमारी कितनी होगी, 3m होगी, ठीक। तो यहां से इस पहले जो हमारी इलेक्ट्रॉन त्रिज्या थी, वहां तक वहां के इलेक्ट्रॉन में और नाभिक के बीच में जो आकर्षण लग रहा था वो कैसा था, अधिक था। बाद में जो बाहरी त्रिज्या दूर हो गई तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, इस वाले की तुलना में थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, बंधुता का मान घट जाएगा, यानी कि कम स्ट्रांग बल से उसको खींचेगा, ऊर्जा भी कम देनी पड़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में चला जाएगा, क्योंकि इसे उसके पास कोई रिपेल करने वाला नहीं है, क्योंकि परमाणविक त्रिज्या बढ़ने से बाह्यतम कोष की नाभिक से दूरी बढ़ती है। जैसे जैसे परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी वैसे ही वैसे क्या होगा, नाभिक से कोष की दूरी भी बढ़ती जाती है, जिससे नाभिक का ग्रहण होने वाला इलेक्ट्रॉन पर कम आकर्षण लगता है। और नाभिक जब दूर हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था फिर हम लोग यहाँ कर दिए, तो अट्रैक्शन भी कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कारण आकर्षण बल के इसी कम आकर्षण बल के कारण कम ऊर्जा उत्पन्न होगी और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी कैसा हो जाएगा, कम। तो पहला हमने देखा था कि परमाणु त्रिज्या से इलेक्ट्रॉन बंधुता पर प्रभाव पड़ रहा था, ठीक है, जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या बढ़ रही थी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान घट रहा था, ठीक। दूसरा कह रहा है प्रभावी आवेश, प्रभावी आवेश तो प्रभावी आवेश देखो किस तरह से इसको इफेक्ट करता है। कह रहा है प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने पर नाभिक तथा ग्रहण किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों के बीच में आकर्षण बढ़ता है। अब देखो जो हमारे प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश मान लो ये जो हमारा नाभिक है
इसको अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन देंगे तो इन दोनों के बीच में आवेश मतलब कितना कितना अट्रैक्शन लगेगा, और उसके बाद इस वाले कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर वाले कोश पे कितना फोर्स मतलब रिपेल करेंगे, तो यही क्या कहलाता है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, तो जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऊर्जा कितनी ज्यादा कितनी निकलेगी, ज्यादा निकलेगी। अतः हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, यानी कि बाहरी कोश थोड़ा और दूर पहुंच जाएगी, रिपेल इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण है वो कम हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा और इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी, यानी कि पास में आ जाएगी इसकी लास्ट सेल। मान लो ये था, अब देखो सबसे बाहरी कोश ये है, तो ये ना होकर जब इसकी क्या होगा, परमाणु त्रिज्या का मान घटेगा। मान लो परमाणु त्रिज्या पहले इतनी थी, बाद में कितनी रहेगी हमारी, इतनी रहेगी। तो यहाँ पर इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बार बार हम इलेक्ट्रॉन लाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि नाभिक के पास में सेल है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा आवरणीय प्रभाव तथा वेधन क्षमता, वेधन प्रभाव, आवरणीय प्रभाव और वेधन क्षमता। ठीक है, जिसे हम स्क्रीनिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब देखो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उस कक्षक पर भी निर्भर करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। अभी कोई हमारे पास कक्षक है, मान लो ये हमारा क्या है, एस कक्षक है, ये क्या हमारा पी कक्षक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान इस बात पे डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है या पी ऑर्बिटल में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है या पी में जा रहा है। मान लो एस कक्षक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पी और डी व एफ ऑर्बिटल की अपेक्षा कम होता है। भाई जब एस कक्षक में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, कहाँ करेगा, एस कक्षक में जब हमारा इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा, तो इसकी तुलना में अगर हम बात करें पी और डी, किसकी, पी डी और एफ, मान लो ये हमारा पी है, ये क्या है डी और ये क्या है एफ, तो पी डी एफ ऑर्बिटल की अपेक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, एस कक्षक में प्रवेश करने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान पी डी एफ ऑर्बिटल की तुलना में कम होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो कोश है वो नाभिक के बहुत पास में है, नाभिक के बहुत ज्यादा पास में है। ठीक है, तो यही कारण है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, अपेक्षा इनकी अपेक्षा में कम हो जाएगा पी डी और एफ में, क्योंकि एस इलेक्ट्रॉनों की वेधन क्षमता अधिक होती है, यानी कि ये नाभिक के बहुत ज्यादा पास होते हैं, जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के बहुत ज्यादा पास होते हैं, जिस सबसे अधिक होती है। ठीक है, वेधन क्षमता सबसे अधिक, यानी कि नाभिक के पास रहने की क्षमता यानी कि सबसे अधिक होती है किनकी, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की। ठीक है, इसलिए एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की जो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों की जो हमारी क्या कहते हैं इसको, सॉरी, इलेक्ट्रॉन बंधुता वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके, पी और डी की तुलना में। इलेक्ट्रॉन बंधुता की आवर्तता यानी कि आवर्त में ऊपर से नीचे या नीचे या लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम जाने पर क्या फर्क पड़ता है, तो यही बात करते हैं, कह रहा है सामान्यता किसी आवर्त में जब आप बाएं से दाएं जाते हैं यानी कि दूसरे ए और पांचवें ए को छोड़कर, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्रम सामान्यतः क्रम से बढ़ता है। जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हो, लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान धीरे धीरे बढ़ता है, किसको छोड़कर, दूसरे और फिफ्थ ग्रुप को छोड़कर। ठीक है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या का मान, परमाणु त्रिज्या कम होती जाती है, धीरे धीरे परमाणु त्रिज्या कैसी होती जाएगी, कम हो जाएगी। हैलोजन की अपने आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्चतम होती है, हैलोजन की जो होती है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्थाई स्थाई H2P6 प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इनके बाहरी कोश में, केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, हैलोजन की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, बहुत अधिक होती है, ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कैसे हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे और मोर स्ट्रांगली इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आकर्षण आवर्त दूसरा, जैसे लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो गया। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन बंधुता लिथियम के लिए कितनी हो जाएगी, बेरिलियम की इतनी हो जाएगी और बोरॉन की इतनी हो जाएगी,
और कार्बन की इतनी और लगभग इसकी इतनी, और ऑक्सीजन की 1.41, फ्लोरीन की 3.828, नियोन की कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इनके बाहरी सेल में पहले ही 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सामान्यतः कह रहे हैं किसी वर्ग में नीचे की ओर चलने पर, जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, किंतु इस क्रम में कुछ अनियमितताएं भी पाई जाती हैं, कुछ इरेगुलरिटीज भी पाई जाती हैं, मतलब कहीं भी बढ़ जाएगी और कहीं कुछ हो सकता है ना बढ़े किसी केस में। तो कह रहा है हैलोजन श्रेणी 7A फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। अब देखो ऊपर फ्लोरीन आता है, फिर नीचे क्या आता है, क्लोरीन। जब आप ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है, तो यहाँ घटनी चाहिए, फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए और क्लोरीन की कम होनी चाहिए। लेकिन कह रहा है फ्लोरीन कुछ इसमें क्या है, अनियमितताएं हैं। जैसे हम बात करें हैलोजन की, तो इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम, बल्कि क्लोरीन की कम होनी चाहिए ऊपर से नीचे आओगे तो। ऐसा किस लिए होता है, फ्लोरीन परमाणु की त्रिज्या बहुत छोटी होती है, इसका साइज भी छोटा होता है, तो परमाणु की त्रिज्या कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। नीचे आओगे तो क्लोरीन में क्या हो जाएगा, उसके सेल बढ़ जाएंगे और त्रिज्या बड़ी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत अधिक होने के कारण इसमें फ्लोरीन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन डाल सॉरी क्लोरीन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन डालना अपेक्षाकृत कठिन होता है। भाई फ्लोरीन का साइज भी छोटा होगा तो त्रिज्या भी छोटी होगी, और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसका साइज बड़ा होगा, त्रिज्या बड़ी होगी। तो क्लोरीन की तुलना में फ्लोरीन के कोश में इलेक्ट्रॉनों को डालना थोड़ा कठिन हो जाता है। फ्लोरीन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसके 2p ऑर्बिटल में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है, यानी कि 2p में जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके 2p में इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 5, 4, 5, इनमें क्या होता है 2p उपकोशों में अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण अधिक होता है, यानी कि इनके आपस में जो रिपल्शन होगा, दूसरे से जो रिपेल करेगा वो कैसा होगा, बहुत अधिक होगा। उसके फलस्वरूप नया प्रवेश करने वाला इलेक्ट्रॉन अधिक आकर्षण महसूस नहीं कर पाता, इनमें आपस में ही इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, जिससे कि नया आने वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन को महसूस नहीं करता और वो इजीली आ जाता है। कह रहा है फलस्वरूप एफ इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम होती है, जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है वो क्लोरीन से कैसी होती, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ग 7 की, जैसे ऊपर पढ़ा था क्लोरीन वाला, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान देखो फ्लोरीन के लिए कितना होगा, 329, क्लोरीन के लिए 349 ज्यादा, ब्रोमीन के लिए 324, आयोडीन के लिए 295 और एटनीम के लिए आपको हो जाएगा 270, ठीक है। तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता। कह रहा है इलेक्ट्रॉन बंधुता के परिवर्तन के क्रम में अपवाद, अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं, वो क्या हैं उनको हम एक एक करके जानते हैं। कह रहा है सामान्यता किसी आवर्त में दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है, जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता आपकी बढ़ती जाएगी, तथा वर्ग में नीचे चलने पर घटती है, बाएं से दाएं जाओगे तो बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आओगे तो घटेगी, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे नंबर 1 दे रखा है, शून्य वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, शून्य वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, शून्य, बल्कि बढ़नी चाहिए, ये सबसे लास्ट में है तो इनकी बढ़नी चाहिए, लेकिन कैसी होती है, शून्य, क्योंकि इनके ऑर्बिटल पहले से ही पूरी तरह से भरे होते हैं। इस कारण क्या होता है, इनका जो अंतिम कोश होता है वो कैसा होता है, पूरी तरह से भरा होता है, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं करते हैं, और इसलिए ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण नहीं कर सकता है, ये एक एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। कह रहा है अगला, नाइट्रोजन और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत कम होती है, भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कैसी होती है, कम होती है, क्यों, क्योंकि इनके वाहितम कोष में, वाहितम कोष का जो पी ऑर्बिटल होता है अर्धपूरित होने के कारण ये अधिक स्थायी होता है। जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो कब स्थायी होते हैं, या तो पूरी तरह से भरे हों, कैसे हों, पूरी तरह से भरे हों, या पूरे अर्ध भरे हों, कैसे भरे हों, अर्ध भरे हों, तभी स्थायी होंगे। अगर 6 आते हैं तो 6 भरे हों, या उसके आधे भरे हों, 3 भरे हों। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस के जो पी ऑर्बिटल होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें 3-3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। ऐसे फास्फोरस वाले में भी 3 इलेक्ट्रॉन आपके पूरे भरे रहेंगे, तो ये पूरा कैसा होता है, आपका अर्ध भरा होता है, पूरा हाफ फिल्ड होता है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसका ऑर्बिटल अधिक स्टेबल हो जाएगा।
अतः अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं रखता, इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं ग्रहण कर सकता ये, ठीक है, पहले से ही उसका हाफ फील्ड है। नेक्स्ट कह रहा है बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता लगभग शून्य होती है, इनकी भी इलेक्ट्रॉन बंधुता है लगभग कैसी होती है, शून्य होती है, क्योंकि इनमें जो एस कक्षक होता है वो पहले से पूरे भरे होते हैं, जब पूरे भरे हैं तो मतलब जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो नहीं आ सकते, जिससे वे किसी अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को स्थान नहीं दे पाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता इनकी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ कारण थे जो इलेक्ट्रॉन बंधुता के परिवर्तन के क्रम में अपवाद थे, ठीक है, तीन, ये तीन अपवाद दे रखे हैं, आप इनमें से दो अपवाद भी लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन लॉन्ग है इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ थोड़ा और बचा हुआ है बस आपका क्वेश्चन होने ही वाला है, यहाँ पूरे आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो फुल मिलेंगे, इसमें कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा जितना भी मैंने पढ़ाया यहाँ, बस आप इतना अच्छे से याद कर लेना और अच्छे से लिखना है क्रम से, ठीक है, कायदे से हेडिंग डाल के कौन सा पॉइंट आएगा उसमें कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है, बस इस तरह से आपको लिखना है। सेकंड इसमें बी पूछ रहा है हमारा, दूसरा हमारा पूछ रहा है, कह रहा है ब इलेक्ट्रॉन बंधुता का रासायनिक व्यवहार पर प्रभाव, भी रासायनिक व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता का, ठीक है, यानी कि इनकी वो कितने क्रियाशील होते हैं कितने क्रियाशील नहीं होते हैं, कौन से परमाणु से क्रिया कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम इसमें जानेंगे एक एक करके। पहला कह रहा है यदि किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च है, मान लो किसी तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी उच्च है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को इजिली ग्रहण कर सकता है, तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति कैसी है, तीव्र है, इजिली वो इलेक्ट्रॉनों को बहुत तेजी से ग्रहण कर सकता है, तभी उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होगी, उच्च होगी। फलतः ऐसे तत्वों की क्रियाशीलता कैसी होती है, अधिक, ये तत्व किसी भी तत्व से बहुत जल्दी क्रिया कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है, ग्रहण कर लेते हैं, तो किसी भी कोई भी परमाणु आएगा उसके इलेक्ट्रॉनों के साथ में साझा कर लेंगे और रिएक्शन कर जाएंगे। उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए उद्दत रहते हैं, अतः ये प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कैसी होती है, उच्च होती है, वो इलेक्ट्रॉनों को इजिली खींच लेते हैं अपनी तरफ, तो वही क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कैसे कहलाते हैं हमारे, उच्च प्रबल ऑक्सीकारक, कैसे कहलाते हैं वो हमारे, हाईली ऑक्सीडेंट होते हैं, हाईली ऑक्सीडेटिव होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, हाईली ऑक्सीडेटिव होते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड कह रहा है किन्हीं दो तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान उनके मध्य के बंद की प्रकृति का अनुमान लगाया जा सकता है, तो भी जो बनने वाला हमारा बंद है वो दो परमाणुओं के बीच में जो बंद बन रहा है उसकी प्रकृति हम किस तरह से लगा सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन बंधुता, दूसरा हम क्या देखते हैं कि आयनन विभव, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन विभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम ये जो हमारा बंद बन रहा है इसकी प्रकृति कैसी है, कैसे नेचर का है ये, ठीक है, कोवेलेंट है या हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या पोलर है, क्या है। कह रहा है यदि दो तत्वों के आयनन विभव बाय इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में अंतर कम होता है, कम हो तो इतनी ऊर्जा की पूर्ति जालक ऊर्जा से हो जाती है, अगर हमारे दो तत्व हैं, ठीक है, उनका जो आयनन विभव है, आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों का अंतर अगर कम है तो इतनी दो जो उनकी ऊर्जा होती है वो जालक ऊर्जा से हो जाती है, ऊर्जा की पूर्ति किससे हो जाती है, जालक ऊर्जा से हो जाती है, ठीक है, दोनों में अंतर कितना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में और हमारा क्या है, आयनन विभव, ठीक है, आयनन विभव, सॉरी, ठीक, तो इनमें अगर अंतर कम है तो इसका हम इसकी पूर्ति किससे हो जाती है, जालक ऊर्जा, जालक मतलब ये जो हमारा मान लो NaCl अगर हम बात करें तो इसमें जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है इसी को हम कहते हैं जालक, ठीक है, NaCl, ये त्रिविम में पाया जाता है, ठीक है, जब आप जैसा कि आपने 12th में पढ़ा होगा, ठीक है, NaCl का स्ट्रक्चर यानी कि सॉलिड स्टेट पहला ही चैप्टर है, तो उसकी पूर्ति किससे हो जाती है, आपकी जालक ऊर्जा से हो जाती है। और कह रहा है यदि यौगिक की प्रकृति आयनिक है, कैसा है यौगिक हमारा, आयनिक है, ठीक है, हमारा कैसा है यौगिक, आयनिक है, इसके विपरीत यदि दोनों तत्वों के आयनन विभव तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता के मान अधिक अंतर हो, तो इनमें आयनन विभव और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के मान में जो अंतर है वो कैसा है, ज्यादा है, तो इतनी ऊर्जा जालक ऊर्जा से उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो ये इनकी जो ऊर्जा है उसको हम जालक ऊर्जा से पूरा नहीं कर पाते हैं,
करा क्योंकि सहसंयोजक बंध बनता है। यहां पर बंध कैसा बनेगा, सहसंयोजक बंध बनेगा, दोनों के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनेगा। अतः यह अंतर जितना अधिक होगा यौगिक में सहसंयोजक गुण उतना ही अधिक होगा। इलेक्ट्रो यानी कि आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता में जितना ज्यादा अंतर होगा बंध हमारा उतना ही ज्यादा कैसा होगा, सहसंयोजक होगा, ठीक है, कोवेलेंट होगा। हम बात करें NaCl की, NaCl तो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सहसंयोजक होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन Cl क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है किसका, Na का, ठीक है। तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो कैसा होता है, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक। तो ये हो गया आज का हमारा सेशन। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सेशन को लाइक कर दें, और प्लीज़ अपने साथियों को ये जो वीडियो हमने बनाया है इसको शेयर कर दें, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। और इस वीडियो का PDF फॉर्म अगर आपको चाहिए, PDF फॉर्म अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपनी बेहतर तैयारी करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है।